हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रीति और आज मैं बनाने वाली हूँ सहजन की बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट सब्जी। तो ये है मुलायम वाला सहजन, इसकी सब्जी मैंने बनाई है, बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है। सहजन मार्च अप्रैल के महीने में मिलता है तो इसकी सब्जी जरूर खाना चाहिए। इस वीडियो में मैं इसकी सब्जी की रेसिपी शेयर की हूँ आप सभी से, तो आप एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सहजन खाना जरूरी है क्योंकि ये सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। इसकी फली का और इसकी पत्तियों का भी यूज किया जाता है। पत्तियों से आप पकौड़े, पराठे या दाल में भी बना दाल भी बना सकते हैं। उसे सुखा के उसका पाउडर बना के भी यूज किया जाता है क्योंकि ये सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। आयुर्वेद में इसकी काफी चर्चा है, इसके गुणों के बारे में बताई गई है, तो आप जरूर खाइए मार्च अप्रैल के महीने में। तो चलिए मैं इसकी सब्जी बनाती हूँ। तो पहले मैं चलती हूँ अपने किचन गार्डन में और वहां से लाऊंगी सहजन। तो मैं वहां से मुलायम मुलायम सहजन तोड़ के लाऊंगी, उसकी सब्जी बनाऊंगी। ये मुलायम वाला है जो उसकी सब्जी काफी टेस्टी, ज्यादा टेस्टी बनती है और बहुत सारा यूज भी हम कर पाते हैं। तो देखिए ये मोटा वाला है, यही है सहजन का पेड़। 3 साल पहले हम लोगों ने लगाई थी इसको और ये बहुत मोटा हो चुका है। इतने सारे फल लगे कि मैं बता नहीं सकती, सच में बहुत ज्यादा। बस कुछ भी नहीं करना पड़ा, एक डाल तोड़ के हम लोगों ने अपने बरसात के महीने में किचन गार्डन में लगा दिया। इसमें उसके अगले साल से ही ये फल देना शुरू हो गया। बहुत सारा इसमें फल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मुलायम मुलायम सा मैं बहुत सारा इसमें से तोड़ने वाली हूँ क्योंकि जब मुलायम वाला तोड़ते हैं ना तो इसकी सब्जियाँ ज्यादा से ज्यादा बन पाती है। मोटा हो जाने पे इसकी सब्जी ज्यादा टेस्टी नहीं बन पाती है, तो इसलिए हम लोग मुलायम जो रहता है उसकी सब्जी ज्यादा बना के खाते हैं। मोटा हो जाने पर बस 2 से 3 बार खाते हैं। सहजन लगा के हम लोग हर बरसात के मौसम में थोड़ा सा गोबर डालते हैं और कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे किचन गार्डन में ऑर्गेनिक सब्जियां लगी हुई है तो हम दवा का छिड़काव नहीं करते हैं। भले ही उसमें कीड़े लग जाए पर हम ज्यादा उसमें नहीं दवा कुछ भी कोई भी दवा का यूज नहीं करते हैं। तो देखिए इतना सारा मैंने तोड़ लिया है मुलायम सा सहजन, 2-4 और तोड़ लेती हूँ, चलती हूँ। और ये देखिए ये फ्रेंच बीन है, छोटे छोटे हैं, इसके भी फल जब लगेंगे तो सब्जी बनाऊंगी तो शेयर करूंगी आप सभी से। ये सारी ऑर्गेनिक सब्जियां आप देख सकते हैं। और मैं एक चुकंदर ले लेती हूँ, इसका जूस बनाऊंगी। आप लोगों को अगर जूस की रेसिपी चाहिए तो आप जरूर कमेंट करके बताइए, तो मैं जरूर डालूंगी। और इसकी पत्तों को मैं तोड़ दूंगी क्योंकि मेरी गाय जो है देसी गाय हमारे यहाँ, तो उस वही खाएगी, चुकंदर भी खाती है क्योंकि उसका दूध हम लोग खाते हैं तो वो बहुत ज्यादा पौष्टिक हो जाता है। और ये देखिए नींबू जो है ना, इसमें हर महीने में फल लगता है, मतलब एक छोटा, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा, तो हर महीने में फल ये मिलता ही है इसमें। ये बहुत अच्छा वाला नींबू है, तो देखिए कितने सारे फल लगे, मन खुश हो जाता है इसे देख के। तो चलिए अब मैं चलती हूँ किचन में और वहाँ मैं सब्जियों को धो लूंगी। काटने से पहले उसे धो के साफ कर लूंगी और फिर सारी सब्जियों को काट के मसाले तैयार करके फिर किचन में आप सभी से मिलने वाली हूँ। जो मेरा किचन गार्डन है वो जस्ट मेरे किचन के बगल में ही है, खिड़कियों से सब कुछ दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मिलती हूँ अपने किचन में। आ चुकी हूँ किचन में और सारी सब्जियों को धो के साफ कर लिया है। काटने से पहले सब्जियों को मैंने धोया था और देखिए कितना सा ताजा है और कितना मुलायम भी है, तो इसकी सब्जी सच में बहुत टेस्टी बनेगी। और ये 3-4 हरी मिर्च है हम लोगों ने ले ली है, और ये लहसुन, एक मीडियम साइज का प्याज और सरसों के दाने। तो ये जो सारे मसाले हैं उसका हम महीन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो चलिए फटाफट इसका महीन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। 2 हरी मिर्च मैंने बचा ली है और सारी जो मसाले थे उसका पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। एक कढ़ाई गर्म कर लिया है, कढ़ाई गर्म होने से पहले मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया था ताकि कढ़ाई ना चले। फिर थोड़ा सा और तेल डालेंगे, उसमें मैं डालूंगी 5 फोरन। 5 चीज़ों को मिलाकर 5 फोरन बनाई जाती है, मेथी, अजवाइन, जीरा और राई के दाना, सौंफ। इसमें डालूंगी हरी मिर्च, जो हरी मिर्च 2 मैंने बचाई थी उसी को डाल लेंगे। फिर इसमें डालूंगी आलू। आलू को 2 से 4 मिनट हमें फ्राई कर लेना है, तो उसका टेस्ट जो है आलू की सब्जी में ज़्यादा अच्छी आती है, तो फिर इसे 2-4 मिनट फ्राई कर लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं पकाना है। नमक अभी इसमें हमें नहीं डालना है क्योंकि ये टूट जाएगा। और फिर मसाले ऐड करेंगे इसमें, अच्छे से मिक्स करके इसे ढक के थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे। तो 4-5 मिनट पकने के बाद देखिए जो है इसमें से तेल जो है निकलना शुरू हो चुका है, तो मतलब ये पकना शुरू हो चुका है, तो हम थोड़ी देर और इसे पकाएंगे। पहले इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल लेती हूँ, कोई सूखे मसाले का यूज हमें नहीं करना है इसमें।
लाल मिर्च पाउडर आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, कलर अच्छा आएगा। हमने हरी मिर्च डाली है और इसमें अब थोड़ा देर पकने के बाद मैं इसमें सहजन ऐड कर दे रही हूँ और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे ढक देंगे और मीडियम हीट पे इसे पकने देंगे। ऐसे ही भुनना है इसे। थोड़ा सा नमक डालेंगे अपने स्वाद अनुसार, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं डालना है। तो ये देखिए, नमक ऐड करने के बाद 10 से 15 मिनट मीडियम हीट पे मैंने इसे ढक के छोड़ दिया था और बिल्कुल मीडियम हीट था। तो देखिए ये अच्छे से भुन चुका है और ऐसे भी आप खा सकते हैं। सूखी सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन लगती है सच में। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें आधा कप पानी डालूंगी तो ये और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस आधा कप पानी डाल रही हूँ और इसे मिक्स कर लूँगी और 2 से 3 मिनट पकाऊंगी। ऑलरेडी ये पहले ही सब्जियाँ पक चुकी है तो हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना, आप सूखी भी खा सकते हैं। तो 2-3 मिनट के बाद मैं चेक कर लेती हूँ। तो अच्छी सी सब्जी पक चुकी है, पानी बस आधा कप मैंने डाला था। इसे चला लेते हैं। तो देखिए ये बहुत सॉफ्ट हो चुकी है सहजन जो है, और सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। तो इसे चलाएंगे और चूल्हे को ऑफ कर देते हैं। तो चूल्हा ऑफ हो चुका है, सब्जी हमारा बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है सब्जी। आप ही ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनी है। रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठे के साथ भी ये खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है सब्जी। और इसे ज़रूर, सहजन तो ज़रूर ही खाना चाहिए मार्च अप्रैल के महीने में। तो अगर आपको ये सब्जी की रेसिपी पसंद आई है, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई है। अगर आई है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रखें अपना ढेर सारा ख्याल।